यस हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नाउ 12 साइंस इंग्लिश सब्जेक्ट चैप्टर नंबर 4 द रेड ट्रैप। रेड ट्रैप डियर स्टूडेंट्स, सेल्मा लॉन्गलॉफ द ऑथर द राइटर। ओके, नाउ लेट्स सी अबाउट द रेड ट्रैप इंट्रोडक्शन। सेल्मा लॉन्गलॉफ 1858 to 1940 was a Swedish writer whose stories have been translated into many languages. A universal theme runs through all of them: a belief that the essential goodness is a human being can be awakened through understanding and love. This story is set amidst the mines of Sweden, rich in iron ore, which figure large in the history and the legends of the country. The story is told somewhat in the manner of a fairy tale. The metaphor of the rat trap serves to highlight the human predicament. Material benefits are the traps that most human beings are prone to fall into. Human beings do have a tendency to redeem themselves from dishonest ways, as does the peddler at the end of the story. दोस्तों, यहाँ पे ये पैराग्राफ में जो इंट्रोडक्शन है, ऑथर हमें बताते हैं सलमा। ये दुनिया जो है यहाँ पे, ये सब रेड ट्रैप है, यानी सब लोग जो मटेरियल लाइफ है उसके अंदर उसको पाने के लिए कुछ न कुछ करते हैं, चाहे वो रिच हो या पुअर हो, मगर अपने काम में ऐसे फंस जाते हैं कि बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है और टाइटल है लेसन का, द रेड ट्रैप, यानी जो रेट है उसको पकड़ने का जो केज होता है, क्योंकि रेट वो केज के अंदर आने से पहले 100 बार सोचता है कि अंदर घुसूँ नहीं घुसूँ, क्योंकि ट्रैप के अंदर कुछ चीज़ ऐसी है खाने की कि रेट को इच्छा है कि वो खा ले, वो पकड़ के निकल जाए वहाँ से, वो खाने की चीज़ ले ले, चाहे वो कुछ भी अच्छी आइटम रखी हो अंदर। तो रेड को जो पसंद हो ऐसी चीज़ ट्रैप के अंदर रखी जाती है उसको पकड़ने के लिए। तो इंसान का भी ऐसा ही है, जो चीज़ यानी पैसा, मटेरियल, फैसिलिटीज़, चाहे वो बंगला, गाड़ी, पैसा, धन दौलत या कुछ भी हो, मगर उसको पाने के लिए जो दूसरे लोग होते हैं वो तैयार बैठते हैं कि हाँ, इस आदमी को किस तरह से ट्रैप किया जाए। तो ये जो है ऑथर बोलते हैं कि यहाँ पे, और ये जो लास्ट में पेडलर है, ओके, जिसको हम पेडलर भी बोलेंगे, या रेड ट्रैप बेचने वाला, जो रेड ट्रैप बनाता है और ये बेचने का काम करता है पेडलर, ओके, तो इसकी हालत ऐसी है, और लास्ट में ये फंसता है रेड ट्रैप के अंदर। वो खुद बिलीव करता है कि पूरी दुनिया रेड ट्रैप है। तो यहाँ पे ह्यूमन बींग्स की बात की गई है कि कैसे लोग रेड ट्रैप के अंदर फंसते हैं, और ज़्यादा काइंडनेस दिखाने का भी रीज़न क्या होता है। डियर स्टूडेंट्स, तो ये उसके बारे में थोड़ा डिस्कस किया हुआ है स्टोरी के अंदर। ओके, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। हाँ, थोड़ा लंबा लेसन है, पर इसके अंदर थोड़ा एक काइंडनेस है, एक रिलेशनशिप है, एक ऑब्लिगेशंस है, जो पेडलर है, जो मेन कैरेक्टर है, उसका नेचर बताया गया है, और जहाँ जहाँ से वो निकलता है पूरी स्टोरी में एंड तक, वहाँ वहाँ वो दूसरे लोगों के साथ मिलता है, और किस तरह से वो आगे बढ़ता है, और अपनी कंडीशन जो है पुअर, एक रेड ट्रैप बेचने वाला जो है फटे हाल कपड़े के अंदर घूमता है, तो ये जो पूरा उसका एक शेड्यूल है, वो पूरा घूमता है हर जगह पे, और कैसे उसमें से बाहर निकलता है, मगर बाहर निकलने के लिए बहुत ही पापड़ बेलने पड़ते हैं और वो फंसा हुआ रहता है।
पर लास्ट में वो थोड़ा निकल जाता है। यहाँ पे जो लास्ट में आयरन मिल है, ओके, वो उसका जो मास्टर है और उसकी जो डॉटर है वो थोड़ा यहाँ पे उसको हेल्प करती है, और लास्ट में थोड़ा हैप्पी एंडिंग जैसा माहौल बन जाता है। डियर स्टूडेंट्स, तो फंसा तो है रेड ट्रैप के अंदर पेडलर, परंतु हालत थोड़ी और ख़राब हो जाती है, और थोड़ा उसका नेचर और जो आयरन मास्टर है उसका नेचर, उसका रिलेशनशिप, और आयरन मास्टर और उसकी डॉटर का रिलेशनशिप विथ पेडलर एंड आयरन मास्टर्स डॉटर, तो ये पूरा एक यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है स्टोरी ऑथर सेल्मा ने। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो नाउ लेट्स सी समरी पैराग्राफ वाइज, देन आई विल डू द ट्रांसलेशन फॉर यू दैट यू पीपल कैन अंडरस्टैंड प्रॉपरली। ओके, दिस लेसन इज ऑल्सो इंक्लूड इन अ टेस्ट। Yes, see you in a summary in the next video, dear students.